उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद का दौरा किया। जिले को 400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए उन्होंने कहा कि बीते साल से यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि उपचुनाव है और योगी बार बार इस बात को एम्फेसिस करना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनकी सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस की बड़ी भूमिका है। योगी ने उपचुनाव से पहले एक बार फिर दंगा मुक्त प्रदेश की बात कहकर अखिलेश यादव के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। 2017 से पहले याद दिलाया उन्होंने कि जब यूपी में 600 दंगे एक साल में हुए थे। योगी ने मुरादाबाद की पुनर की विधानसभा को मिनी स्टेडियम की सौगात भी दी है। आपको बता दें यहां उपचुनाव भी होना है। बीजेपी को 31 साल से कुंदर की सीट पर जीत नसीब नहीं हुई है, इसलिए इस सीट पर योगी ने खुद जिम्मेदारी संभाली है। कुंदर की मुस्लिम बहुल सीट है, यहां मुस्लिम वोटर की संख्या 65% है, हिंदू वोटर 35% है। पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं, कहीं भी कोई अराजकता और गुंडागर्दी नहीं, बल्कि आज यही उत्तर प्रदेश सुशासन के एक मॉडल के रूप में अगर देश के अंदर देखा जा रहा है, इसमें एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के हमारे बहादुर जवानों के द्वारा निष्ठा से की गई सेवा का परिणाम है। यूपी में उपचुनाव से पहले दो मॉडल की चर्चा जोर पकड़ चुकी है, एक कानून व्यवस्था और दंगा मुक्त प्रदेश वाला योगी मॉडल और दूसरा अखिलेश का नवा मॉडल, जिसकी चर्चा खुद योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी। इस बीच अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र कन्नौज से बड़ी खबर आई कि रेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव के डीएनए की जांच रिपोर्ट आ गई। अखिलेश बार बार डीएनए जांच की बात कह रहे थे, तो अब यहां पर बैकफायर हो गया है, क्योंकि जांच रिपोर्ट कहती है कि नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच हो गया है, यानी कि पुलिस का केस और ज्यादा मजबूत हो गया है और नवाब इस वक्त मुश्किल में फंस गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप है। यूपी पुलिस को डीएनए जांच की जो रिपोर्ट मिली है, और निश्चित तौर पर अब बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी, क्योंकि अखिलेश बढ़ चढ़कर कह रहे थे जब नवाब यादव पकड़े गए थे कि देखिए डीएनए जांच कराइए, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसके बाद योगी सरकार ने अब डीएनए टेस्ट भी कराया है, उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है, और निश्चित तौर पर इसके बाद अखिलेश बैकफुट पर जरूर आएंगे लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। प्रकरण में घटना स्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।